अगर उन्होंने कहा कि 370 की जो बात है, अगर मैडम ने ऐसा कहा है तो स्पीकर ने उसको कहा कि भाई एंटी नेशनल वर्ड जो है उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडे में रहा है 370 टूटना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का आज भी स्टैंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही केवल यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, यहाँ हम गठबंधन में हैं और गठबंधन सरकार जो है वो एक हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, एजेंडा ऑफ अलायंस के हिसाब से चल रही है। एजेंडा ऑफ अलायंस में बहुत सारे इश्यूज़ को हमने साइलेंट रखा है, 370 को साइलेंट रखा है, कोई सेल्फ रूल को साइलेंट रखा है, हमने डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हैं। 370 अभी एजेंडा ऑफ अलायंस में, उसको कोई बदलने का नहीं है, क्योंकि या तो बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में जम्मू कश्मीर में बहुमत देना जनता, अगर बहुमत आता है तो फिर हम दो तिहाई बहुमत से कुछ भी कर सकते हैं, बहुमत तो है नहीं, इसलिए दूसरे गठबंधन के साथ जब हम सरकार बनाते हैं फिर गठबंधन का एक अलग से अलायंस, मजबूरी तो होती है, ये तो सच है, बहुत मजबूरी होती है।